खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब जम के मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन मित्रों से और मां से मतभेद हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन का दान जरूर कीजिए, अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष आपका बहुत अच्छा है, कोई प्रतिष्ठा मिल सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए काम पर जुटे रहिएगा। लेकिन एक सावधानी, क्रोध से नुकसान होने वाला है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष मदद कर रहा है और इस दिन भी यदि आपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ नहीं किया तो क्या किया, लेकिन एक सावधानी के साथ कीजिएगा, इस दिन बिजली से थोड़ा सा बच के रहें। उपाय क्या करेंगे, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, जिन भी लोगों को सर की, पेट की, गर्दन की, हृदय की, रक्त की समस्याएं हैं वो ध्यान रखें, लूज मोशंस जिन लोगों को बहुत जल्दी होते हैं वो भी ध्यान रखें, लेकिन चूंकि भाग्य पक्ष अच्छा है इसलिए आपके कार्य रुकेंगे नहीं, अचानक कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, लेकिन एक सावधानी, इस दिन मेहनत बहुत कीजिएगा और जो आपके दस्तावेज होते हैं, जहां हस्ताक्षर करने होते हैं, वहां बहुत ध्यान से हस्ताक्षर कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, चावल का दान कीजिए, काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखिएगा, इस दिन पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मन को थोड़ा सा शांत रखें, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन क्रोध नहीं करना है और गर्म भोजन से बच के रहिएगा। उपाय क्या करना है, शहद बांटिए या गुड़ से बनी हुई चीजें बांटिए, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, अपने पेट का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, लेकिन शत्रु आपका अहित नहीं कर पाएंगे, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, बस एक सावधानी विशेष रूप से रखनी होगी, इस दिन उधार मत दीजिएगा किसी को। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर करने के लिए सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। तुला राशि, रिश्तों को कमजोर कर रहा है ये दिन, इसलिए बहुत संभल कर अपना कार्य और व्यवहार रखिएगा, एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, इस दिन बहुत मन लगाकर अपना कार्य करें, अन्यथा किसी कागज में कोई मिस्टेक होने की वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे, चावल का दान करें, अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय बहुत ज्यादा तो अनुकूल नहीं है, लेकिन भाग्य पक्ष मदद कर रहा है, इस दिन मन को बहुत शांत रखते हुए कार्य कीजिएगा, नहीं तो वाद विवाद हो जाएगा। सावधानी क्या बरतनी है, इस दिन धन न लें न दें उधार में। उपाय क्या कर रहे हैं, दिन को बेहतर बनाने के लिए लाल मसूर की दाल का दान जरूर कीजिए किसी जरूरतमंद को, और अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। धनुराशि, आज काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको काम बहुत करना भी पड़ेगा, अचानक कोई यात्रा भी हो सकती है, एक सावधानी रखिएगा, इस दिन जो कार्य आप कर नहीं सकते उसका वायदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, काले कपड़े में भोजन सामग्री रख के दान कर दीजिएगा, किसी को भी दान कर दें, कोई भी भोजन सामग्री रख के कर दें, तो उसे सब ठीक करेंगे। मकर राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत कमजोर है, अपने धन का सोच समझ कर इस्तेमाल करें, किसी को उधार देने से बचें, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, वो ये है, घर के बुजुर्गों से आपके ना मतभेद हो और उनका स्वास्थ्य भी खराब ना हो, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना होगा, इससे आपको सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, बुखार ये ना हो, इस बात का ध्यान रखें, जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है वो भी इस बात का इस दिन बहुत ख्याल रखें, लेकिन भाग्य पक्ष मजबूत है इसलिए आपके कुछ कार्य बनेंगे, अच्छा दिन गुजरेगा, दोस्तों के साथ अच्छी बैठक रहेगी, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतेंगे, इस दिन किसी से मनमुटाव ना हो, किसी की निंदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे।
राशि बहुत जल्दबाजी है इस दिन और इस वजह से कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आप किसी से कोई ऐसी बात कह बैठेंगे जिससे आपका नुकसान हो, कोई ऐसा वायदा या कोई ऐसी गवाही दे बैठेंगे जिससे आपका नुकसान हो जाए। ध्यान रखें, एक छोटी सी सावधानी वाहन को लेकर जरूर बरतिएगा। वाहन ध्यान से चलाएं और ढंग से पार्क करें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, फल का दान कीजिए, उसके बाद काम पर जुट जाइए।